हाँ दोस्तों, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, एकदम सॉफ्ट, टेस्टी, क्रीमी और शुद्ध आइसक्रीम आप घर पर बनाइएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लीची आइसक्रीम की रेसिपी। दोस्तों, मैं हूँ सलमा, आपके कुकिंग फ्रेंड। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 से 35 लीची को इस तरह से हम पील आउट कर लेंगे। 12-15 साल पहले लीची सिर्फ कुछ ही जगहों पर मिलती थी, अभी तो ये हर जगह पे आसानी से मिल जाती है ना। यहाँ ढाका में भी काफ़ी टेस्टी और अच्छी लीची मिलती है। मेरी फ्रेंड ने अपने बगीचे के ढेर सारे लीची और मैंगोस लाकर दिए थे। अफरीदा की माँ, थैंक यू सो मच। लीची छीलने के बाद यहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर लीची खराब हो तो पिलपिला और नरम होता है और बारीक कीड़े भी हो सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी लीची को छील लिया है। अब जहाँ पर डंठल होती है ना, यहीं से इसको इस तरह से छील कर इसके पीसेस में कट कर लीजिएगा और सीड हटा लीजिएगा। अब एक हेवी बॉटम पैन में 2 कप फुल क्रीम मिल्क और 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर के दूध में अच्छे से घुलने तक मिक्स कर लेंगे। इन्हें आपको ठंडे दूध में ही मिक्स करना है, अगर दूध गर्म रहेगा तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और आइसक्रीम खराब हो जाएगी। अब धीमी आंच पर कंटिन्यूसली चम्मच को घुमाते हुए मिक्सचर के गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये बहुत जल्दी पक जाता है, 2 मिनट के लिए भी छोड़ कर जाएंगे तो मिक्सचर नीचे से जल जाएगा। जैसे ही ये पककर गाढ़ा हो जाए, फौरन फ्लेम पे से हटा देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो लीची हमने सीड निकाल कर रखे थे, उन्हें एक मिक्सचर जार में लेकर बारीक प्योरे बना लेंगे। थोड़े से पीसेस को अलहदा रख लीजिएगा, ये हमें बाद में लगेंगे। दूध के मिक्सचर को भी लीची के साथ ब्लेंडर में पीस कर इसका गाढ़ा और स्मूथ थिक पेस्ट बनाकर साइड में रख लेंगे। अब एक चिल्ड बाउल में करीब 350 ml हैवी व्हिप्ड क्रीम, डेरी क्रीम लीजिएगा, ज़्यादा टेस्टी रहेगा। क्रीम को लेकर इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इस बर्तन को बीच में 10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रखकर दोबारा से बीट करूँगी। नहीं तो इस बर्तन के नीचे एक और बर्तन रखकर इसमें आइस क्यूब्स ले लीजिएगा, जिससे क्रीम ठंडी रहेगी और अच्छे से व्हिप होगी। केक फ्रॉस्टिंग की तरह नहीं चाहिए, बस ये अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट पीक बन जाए काफ़ी है। इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, इसलिए मैं इस व्हिप्ड क्रीम को एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क को व्हिप क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो लीची को पीस कर रखा था ना, इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐड करते हुए मिक्स करते जाएंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ, जो इसमें दूध का स्मेल होता है ना, इससे ये ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास लीची एसेंस हो तो उसे आप यूज़ कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़े से लीची के मोटे मोटे कटे हुए पीसेस और शामिल कर देंगे। आइसक्रीम खाते समय इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब जिस भी बॉक्स में आपको आइसक्रीम जमाना हो, सारे मिक्सचर को उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने एक मैजिकल इंग्रेडिएंट मिस कर दिया है, क्या आप गेस करके बता सकते हैं वो क्या चीज़ है? क्या हुआ, गेस कर लिया? नहीं ना, 2 चुटकी नमक। किसी भी डिज़र्ट में 2 चुटकी नमक इसके फ्लेवर्स को एनहांस करता है। अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उससे पहले हम आइसक्रीम को सेलोफिन रैप से इस तरह से कवर कर लेंगे। ये कवर फ्रीज़र में आइसक्रीम पर पानी के क्रिस्टल्स फॉर्म होने से प्रोटेक्ट करेगा।
अब ये बॉक्स जाएगा सीधे फ्रीजर में कम से कम 6-8 घंटों के लिए। 8 घंटों बाद इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। ये थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगी है। इसका कवर हटाकर एक बार ऊपर नीचे आइसक्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, लीची के पीसेस जो हमने डाले थे वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। ऐसा करने से लीची इवनली सारे आइसक्रीम में अच्छे से मिक्स होगी। अब इसे दोबारा से सेलोफिन से कवर कर लेंगे और अब की बार इसे कम से कम 15 घंटों के लिए फ्रीजर में छोड़ देंगे। सफिशिएंट टाइम हो चुका है, आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार है। अब है रिजल्ट देखने की बारी। ये अच्छे से सेट हो चुकी है, कितनी स्मूथ और क्रीमी बनी है आप खुद ही देख लीजिएगा। ना कोई आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स। सबसे बड़ी बात, शुद्ध दूध और डेरी क्रीम से घर पर बनी हुई टेस्टी आइसक्रीम। दिल भर के बच्चों को खाने दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। आइसक्रीम के स्कूप्स निकालते समय इस तरह से चम्मच को पानी में बीच बीच में डिप करते रहिएगा, इससे आइसक्रीम स्कूपिंग आराम से और स्मूथली हो जाएगी। ये देखिए, कोई बोल सकता है भला कि ये घर पर बनी हुई आइसक्रीम है? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।